दिस वीडियो विल बी सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइसेंस सीरीज। सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो चेक नहीं करी है जिसमें मैंने जीवा लाइसेंस की पूरी डिटेल्स दी गई हैं, तो वो आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट G2, स्टिक टू द वीडियो। लाइसेंस के फर्स्ट पार्ट G1 में मैंने सभी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ उसमें मिसिंग है जो मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ फटाफट, कि अगर आपको G1 लाइसेंस अगर फेल होते हो तो क्या आप उस दिन दे सकते हो या नेक्स्ट दिन देना पड़ेगा। अब डेफिनेटली जैसे आप अगर फेल हो जाते हो तो आप ऑफिस से बाहर जाओगे एंड रीअप्लाई करोगे G1 के लिए। रीअप्लाई इन द सेंस जो भी आपने पहले प्रोसेसिंग करी वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन एग्जाम दूसरी बार देने के लिए आपको $15 देने पड़ेंगे और आप इंस्टेंटली सेकेंड टाइम एग्जाम दे सकते हो। सो दैट वॉज अ क्विक अपडेट ऑन द फर्स्ट वीडियो। नाउ लेट्स बिगिन द G2 लाइसेंस। सो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि G2 लाइसेंस आप कैसे 1 साल में ले सकते हैं, कैसे आप 8 मंथ्स में ले सकते हैं, एंड आप आते ही तुरंत आप G2 लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। एंड वीडियो विल बी एंडिंग विद द G प्रोसेस, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सो आगे की प्रोसेसिंग में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास G1 लाइसेंस घर पर आ चुका है। द पर्टिकुलर कार्ड दैट्स योर लाइसेंस इज विथ यू राइट नाउ। सो आगे की प्रोसेसिंग में 1 साल टोटल लगता है G2 लाइसेंस के लिए। आपका G1 हो गया और उसके 1 साल बाद यानी कि 12 मंथ्स के बाद आप G2 दोगे, जिसमें एक बेसिक प्रोसेस होगा। अपने जब 8 मंथ्स हो जाएंगे आपके G1 लाइसेंस के बाद, तब आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाओगे drivetest.ca। उसमें बेसिक सा प्रोसेस होगा, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कैसे है, कि ग्रीन बटन करके जो बुक द टेस्ट है उसको क्लिक करना है और आगे 4 चीज़ें फिल करनी होगी, नेम, लाइसेंस नंबर एंड एक्सपायरी डेट, बेसिक्स। उसके बाद आप सीधा एक स्क्रीन पर जाओगे जहां पर आपको डेट्स मिल जाएंगी, लेकिन वो डेट्स कब की होंगी, वो आपके 1 ईयर के पीरियड के बाद की डेट्स होंगी। लेकिन आप अपना बुकिंग 8 मंथ्स के बाद कर सकते हो। जैसे कि जनवरी में आपने G1 टेस्ट दिया था, देन यू कैन बुक योर टेस्ट जो कि 1 साल बाद का होगा, वो आप अगस्त के बाद ओपन कर कर देखोगे तो आपके पोर्टल में आपको डेट बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ऐसे आप डेट को बुक करो कि आपको जो भी डेट कन्वीनियंट लगती है वो जाके आप क्लिक करो एंड बुक द टेस्ट। एंड आप टेस्ट को रीशेड्यूल भी कर सकते हो आगे चलकर, वो आपको जीमेल में आपको लिंक्स एंड वगैरह आ जाएंगी जैसे ही आप बुक करते हो फर्स्ट बुकिंग को। सो वो क्या 1 साल वाला प्रोसेस जिसमें आप G1 के बाद 1 साल के बाद अपने G2 के टेस्ट के लिए अपियर होते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप 8 मंथ्स में कैसे अपने G2 को दे सकते हो। ये मैं कह रहा हूँ, एज वेल एज आप जब G1 दोगे तब आपको वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स या वहाँ पर जो भी ऑफिस में आपके सामने बैठा रहेगा वो आपको बताएगा कि यू कैन ऑल्सो गिव इन 8 मंथ्स और इन 12 मंथ्स। तो 8 मंथ्स में आपको क्या करना है, ऑन्टारियो में आपकी सिटी में आप जहाँ पर भी हो वहाँ पे कार के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं सिटी में हर जगह। सो जिस किसी से भी आपकी पहचान बनती है और यहाँ और जहाँ से भी आप रेफरेंस अपने फ्रेंड से जानकर आप किसी के पास भी जाते हो तो उनसे पूछना है आपको कि वो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बनवा कर दे सकते हैं या नहीं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक वो चीज़ है जो 12 मंथ से 8 मंथ्स में आपके टाइम पीरियड को रिड्यूस करेगा एंड एज वेल एज वो आपको कार लेते वक्त इंश्योरेंस में भी हेल्प करेगा। सो इंश्योरेंस आपका थोड़ा बहुत कम हो सकता है उस चीज़ से, सो वो उसके लिए बेनिफिट होगा। तो वो उस ड्राइविंग एक्सपीरियंस को निकालने के लिए चार्जेस आपको 120 से लेकर 190 तक वो लोग चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस निकालते हैं वो लोग, वो उनके हाथ में है वो उनको कितना चार्ज करना है। उसमें नेगोशिएशन भी हो सकता है, अगर आपको आता है तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइजिंग वो लोग सेट करते हैं ना कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी। सो आप उनसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हो तो वो आपके लिए एक लेटर निकालते हैं जिस वजह से वो अपने आप आपके लिए डेट बुक करेंगे अपने हिसाब से आगे अथॉरिटी में, तो आप 8 मंथ्स के अंदर अपना G2 टेस्ट दे सकते हो। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से आपके पोर्टल पे यानी कि आपकी प्रोफाइल जो drivetest.ca पर होगी उस पर आपके लिए डेट्स अलग से दिखेंगी एडवांस में, ना कि 1 साल बाद की, बल्कि उन 4 मंथ्स के गैप में वाली में कोई भी डेट्स दिख सकती है आपको जो भी आपको बुक करनी है, क्योंकि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है जो उन्होंने ऐड करवाया है आगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में। सो इस तरह से 8 मंथ्स के प्रोसेस के अंदर भी आप अपना G2 दे सकते हो। अब ये चीज़ें ऐसी है कि सबके कन्वीनियंस के हिसाब से हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं कार बाय करने वाला हूँ मेरे 1 साल के पीरियड के बाद, मुझे कोई जल्दी नहीं थी तो मैं क्यों खर्चूँ इतने $150, तो मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। सो मैं 1 साल के बाद ही अपना G2 देने वाला हूँ जो कि है दिसंबर में। एंड इंस्ट्रक्टर्स
टीचिंग इंस्ट्रक्टर की एक एक लेसन्स, यानी कि 1 घंटे का लेसन एक दिन के लिए वो आता है, और उस दिन में वो आपको 1 घंटा सिखाएगा, जिसका चार्ज 35 to 45 डॉलर्स इंस्ट्रक्टर चार्ज करते हैं। सो उतनी आपके लिए चार्ज रहेंगी हर एक दिन के 1 घंटे की, एज वेल एज वो आपसे उस चीज़ का भी चार्ज करेंगे जिस दिन आप अपनी टेस्ट देने जाओगे, तो आप उनकी कार लेकर जाओगे। सो उनकी कार में आप ड्राइविंग टेस्ट दोगे तो वो उसका भी चार्ज लेंगे। सो उसका चार्ज वो लगभग 70 से लेके 100 डॉलर्स या 120 डॉलर्स इतना वो चार्ज लेते हैं, अपनी कार आपको प्रोवाइड करेंगे और आप उनकी कार में टेस्ट दोगे। और मेन बात ये है कि आप जब ड्राइव टेस्ट दोगे, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी ही कार यूज़ करो, अपना कोई भी आपका फ्रेंड बन जाता है यहाँ पर आकर, और वो आपको हेल्प करता है कि हाँ तू मेरी कार ले जा सकता है, तो डेफिनेटली चूज़ दैट ऑप्शन, वो फ्री में हो जाएगा। सो आप उनकी भी कार से भी एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम किसी की भी कार से दे सकते हो आप। 20 मिनट्स का G2 टेस्ट होता है, रोड टेस्ट, जिसमें सिटी के अंदर ही आपको गाड़ी से आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चलानी होगी प्रॉपरली, एंड इंस्ट्रक्टर बाजू में होगा, एंड आपको पूरे सिटी में जहाँ पर भी उनका रूट फिक्स होता है उस हिसाब से आपको रूट पे गाड़ी चलानी होगी। एंड इंस्ट्रक्टर से जब आप सीख रहे होते हो तो ऐसे इंस्ट्रक्टर से सीखो जो आपको स्पेसिफिक रूट दिखा दे, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर, यानी ऑलमोस्ट सभी इंस्ट्रक्टर को मालूम होता है कि आपकी सिटी में कौन से रूट हैं जहाँ पर टेस्ट होने वाली है। स्पेसिफिक 2 या 3 रूट होते हैं सिटी के जहाँ पर वो आपको ले जा सकते हैं टेस्ट देने के लिए। सो इंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, आपको बार बार वही जगह पर प्रैक्टिस करवाते रहते हैं जिस दिन आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं एग्जाम से पहले। सो वो आपको उसी जगह पर प्रैक्टिस करवाते हैं जिस वजह से आपके माइंड में पूरा रोड मैप्ड रहे, लाइक पूरा रोड आपको पास में याद रहे और कुछ भी प्रॉब्लम या गलती ना हो और एक बार में आप पास कर लो। सो ऐसा सिस्टम होता है। ये हो गया 8 मंथ्स वाला सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप आते ही तुरंत G2 कैसे ले सकते हो। आपको दो चीज़ें चाहिए यहाँ पर आकर अगर तुरंत G2 चाहिए, तो एक ड्राइविंग लाइसेंस जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस हो इंडिया में यहाँ पर आने से पहले, डेट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, एंड द सेकेंड इज DL Extend। ये दो ही चीज़ें चाहिए जिस वजह से आप यहाँ पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे एंड यू विल बी टोटली एलिजिबल फॉर G2 इंस्टेंट लाइक दिस। होता क्या है कि आप जब G1 देने जाओगे तभी आपको वहाँ पर पूछेंगे कि आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नहीं, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर होगा तो आप अपना लाइसेंस एंड DL Extract उसी दिन लेकर जाना, तो वहाँ पर जाकर आप सबमिट करोगे और आपकी फाइल उस हिसाब से वो आपको बना कर दे देंगे क्लिप करके, एंड फर्दर वो आपको बोल भी देंगे कि आप जाकर घर जाकर आप G2 की डेट बुक कर सकते हो आगे जब भी आपको बुक करनी हो। एंड अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ये सीन होता है, जैसे मेरे एक फ्रेंड था उसका यही सीन हुआ था, वो यहाँ पर आ गया था लेकिन DL Extract बना नहीं था, तो उसने G1 तो निकलवा लिया और फिर आगे जैसे ही उसका DL Extract आ गया इंडिया से पार्सल में, सो उसने लाइसेंस एज वेल एज DL Extract उसने जाकर अगेन ड्राइव टेस्ट पर जाते हैं एंड सभी चीज़ें वो बातचीत करते हैं कि ये है मेरे पास, ये है एक्सपीरियंस, दैट्स बाय विच यू विल गेट एलिजिबल अगेन वेरी सून। 1 साल की रानी देखनी है, 8 महीने की रानी देखनी है, सीधा अगर आप G2 दे सकते हो। ये हो गया पूरा G2 की बात। अब बात कर लेते हैं फटाफट जी लाइसेंस की। जी लाइसेंस इज काइंड ऑफ लाइसेंस दैट इज टोटली अपग्रेडेड, यानी कि पूरी छूट मिल जाती है आपको, लाइक आप कनाडा में कैसे भी कार चला सकते हो। G2 लाइसेंस में बेसिक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो जी के लिए नहीं होते, जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन जी वालों को अलाउड है, समथिंग पॉइंट होता है जो उनको अलाउड होता है, और G2 के लिए बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है। सो ऐसे बेसिक से कुछ डिफरेंस है जी और G2 के बीच में। जी होगा तो आप ऊबर इट्स एंड ऊबर चला सकते हो, G2 पे आप ऐसा सब नहीं कर सकते। G2 पे सिर्फ आप स्किप द डिशेस कर सकते हो या DoorDash कर सकते हो। सो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ फायदे हैं जी और G2 के बीच में, लेकिन G2 होगा तो भी आप फुल्ली अच्छे से कार कहीं पे भी चला ही सकते हो। कुछ बेसिक डिफरेंस है, दैट्स इट। एंड जी आप अपने G2 के 1 साल बाद दे सकते हो, जैसे G1 के बाद आपने 1 साल रुक कर G2 दिया होगा, वैसे ही G2 के 1 साल रुकने के बाद आप जी दोगे। फिर आप अगर इंडिया से आकर तुरंत जी देना चाहते हो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। इंडिया का आपके पास 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 2 साल का, 12 and 12, दैट्स बाय विच यू कैन गिव जी डायरेक्टली। G1 दिया उसके बाद सीधा आप जी दे सकते हो, सो दैट विल बी वेरी गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फेल इन दैट।
क्योंकि यार क्या होता है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अचानक ही आप दोगे और हड़बड़ाहट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्मार्टली आप पेशेंस के साथ दोगे तो हो भी जाएगा पास। लोग पास हो भी होते हैं, कई लोग फेल भी होते हैं। सो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जी का लाइसेंस का टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है G2 के कंपैरिजन में, क्योंकि हाईवे पे कार चलाई जाती है उसमें। एंड अगर आपने इंडिया से आकर यहाँ पर अपने इंडियन एक्सपीरियंस पे जी दिया एंड अगर आप फेल होते हो, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। फिर आपको G2 देना होगा, देन यू हैव टू गिव जी लाइसेंस अगेन। सो ऐसा कुछ सीन होता है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं ज़्यादा, बस इतना ही था। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।